हम समझ रहे हैं कि तुम्हें हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही है भाई, मगर तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते मैं एक नसीहत देते हैं पुनीत। शांत दिमाग से बैठ के सोचो, क्या जो तुम्हारा बड़ा भाई कर रहा है वो गलत कर रहा है? अरे अपने छोटे के हित के लिए कर रहे हैं छोटे, और तुम ये बैग लो चलो। साथ चलने की बात दोबारा मत करिएगा भैया, चलिए छोड़िए। पुनीत मैं कह रहा हूं, तुम हट जाओ भैया। पुनीत हट जाइए। पुनीत तू चल। पुनीत नहीं, पुनीत हटिए भैया। पुनीत तू चल। पुनीत तुम चलो मेरे साथ। देखो बेटा ऐसे सबका मन नहीं तोड़ते, सबका मान रखो। देखो तो नहीं चाचाजी, अपमान करने वालों का मान रखना अन्याय है। तो तुम कसम खा लिए हो कि तुम हमारी बात को नहीं मानोगे? हाँ चाचाजी हाँ, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। छोड़िए समझाने बुझाने का भी हद होता है। बहुत देर से देख रहे हैं ये मान मनौवल का नाटक, अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जाने दे इसे जहां जाना चाहता है। बहुत देखे हम ऐसे आसिक, जब प्यार का भूत उतरेगा ना तो रोते गिड़गिड़ाते द्वारी पर चला आएगा। चलो राजप्रभु, चलिए। पुनीत आ जाएगा। पुनीत आप अरे भैया जी अरे सुनिए तो, क्या है? क्या है ये गुस्सा थूक दीजिए। ये घर में सबको पता चल चुका है कि आप नैना जी से कितना लगाव रखते हैं, इसलिए कोई आपके साथ ऐसा बात नहीं करेगा, नहीं बुआ ना अम्मा जी। इसलिए क्या? इसलिए हम वहां नहीं जाते, नहीं रुक जाते बस। देखिए राज बाबू, अगर आपको यह घर प्यारा है, यहाँ के लोग प्यारे हैं, तो आप जाकर रहिए इनके साथ। वैसे भी हमारी जिंदगी समंदर के तूफान में फंसी नाव की तरह कब डूब जाए पता नहीं, फिर अब आप हमारे साथ क्यों आएंगे? भैया जी हम वो चूहा नहीं है जो जहाज को समुंदर में डूबता देख के जहाज में से कूद जाए। ना तो हम जहाज को डूबने देंगे, ना इस नाव को तूफान में शहीद होने देंगे। अगर आपको हम पे भरोसा हो तो ठीक है, आप हमारे साथ लालगंज चलिए। अभी इस वक्त तो... हाँ अभी इसी वक्त ठीक है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो हम अकेले ही चले जाते हैं। ए भैया जी, ऐसी बातें कर रहे हैं आप, आपको अकेला छोड़ देंगे क्या? लाइए चाबी, बैठिए। आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हम, परछाई है ना, परछाई का धर्म निभाएंगे।
मुस्कुराइए। देखिए तो मुस्कान आपके होठों पर कितनी प्यारी लग रही है। क्या करें पुनीत बाबू, जिंदगी ने तो कभी मौका ही नहीं दिया ये सोचने का कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और अब हम कभी आपको फुर्सत नहीं देंगे किसी बुराई के बारे में सोचने की। हाँ ना, हम अभी इसी वक्त अपने घर वालों की गलती का पश्चाताप करने जा रहे हैं। हम आपसे अभी इसी वक्त शादी करना चाहते हैं। आपकी मांग में चुटकी भर सिंदूर लगाकर हम आपको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। अगले 7 जन्मों तक के लिए हम आपको पति पत्नी के बंधन में बांधना चाहते हैं। नहीं नहीं पुनीत बाबू, ये नहीं हो सकता है। अरे आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर रिश्ते की गहराई को नहीं समझता तो शायद नहीं कहता। पुनीत बाबू, शादी कौनो कौनो गुंडा गुड़िया का खेल नहीं है कि जब जी चाह जिससे चाह कर ले। अरे शादी तब पवित्र बंधन, जन्म जन्म का रिश्ता है। जिकर एक छोर मजबूती से बंधा होता है, अपना लोक के प्रेम से, समाज के नियम से, कुल खानदान के मान मर्यादा से, तो दूसरा छोर मजबूती से बंधा होता है इन सब के दायरा में खड़ा लड़का लड़की से। और हम ही दायरा में नहीं आते हैं, इसे हम विवाह भी नहीं कर सकते। हम भी जानते हैं इस बात को नैना, पर क्या करें जब कोई हमारे सच्चे प्रेम को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तो हम क्यों किसी की गलती की सजा भुगतें। पुनीत बाबू, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, पर आप भी तो समझिए, हर माँ बाप अपना बेटा बेटी को लेकर सपना सजोता है, सपना देखता है, ओकरा बियाह खातिर हमरे माँ पिताजी भी तो देखे होंगे, फिर उनको बिना बताए बिना उनकी इजाजत के हम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, परिस्थिति भी हमको इजाजत नहीं देता कि हम इतना बड़ा कदम उठाए। नहीं पुनीत बाबू, तो ठीक है, ले लीजिए इजाजत, बता दीजिए अपने माँ बाबूजी को कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कह दीजिए उन्हें कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करने जा रहे हैं। लीजिए, राज बाबू। अरे बिल्कुल भैया जी, देखिए संगत से गुनाहत है, संगत से गुनजात। नैना जिस दिन इस घर की बहू बन के आ जाएगी तो उसमें जो छोटी मोटी कमी है ना वो भी दूर हो जाएगी, और फिर आप तो है ना। हाँ माँ, माँ नैना द्रव है, उसे आप जैसे भी पात्र में ढालिएगा ना वो वैसा रूप ले लेगी। और हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपको उससे शिकायत का जरा भी मौका नहीं मिलेगा। अपने बेटे की खुशी का खातिर हम भी उसे शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आप ना माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, हमने आप लोगों का दिल दुखाया।
आप सभी को ठेस पहुंचाई। हमारी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया जी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्यों माता जी? बस भैया जी, आप आ गए, हम सब अपना दुख भूल गए। हाँ पुनीत, तुम सदा सुखी रहो, खुश रहो, हम सब तो यही चाहते हैं। हाँ दीदी, अब तो बेटा आ गया है, तब कहें रो धो रही हैं। लोर पोछिए और बाहर चलिए, पंडित जी आ गए होंगे कुंडली मिलाने और लगन का मुहूर्त निकालने के लिए। चल के सुधी निकलवा के पतो परिचने की तैयारी कीजिए। आइए चलिए। अरे पंडित जी, हाई स्कूल के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कि शादी का डेट निकाल रहे हैं? जल्दी करिए ना महाराज। जजमान, कन्या की कुंडली। पुनीत जी, बाबूजी, नैना की कुंडली देना। नैना की कुंडली तो हमारे पास नहीं है। नहीं है? अरे तो बेटा, नैना को फोन करिए और उनसे कुंडली मांग लीजिए। जी माँ। हेलो नैना। पुनीत बाबू। वो नैना पंडित जी घर पर आए हुए हैं और वो शादी के लिए हमारी कुंडली मिला रहे हैं। उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए। जी, लेकिन हमारा पास तो हमारा कुंडली नहीं है और हमको पता भी नहीं है कि हमारा कुंडली कहाँ रखा है। आपको आपकी कुंडली के बारे में नहीं है पता? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करूँ। माँ, नैना को अपनी कुंडली के बारे में कुछ पता नहीं। जी क्या हुआ? नैना के पास उसकी कुंडली नहीं है। पंडित जी, नैना की कुंडली नहीं है। नहीं क्या? पंडित जी, अब क्या होगा? उपाय बाज अजमान, सब उपाय बाज। क्या उपाय? कन्या का जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का समय तथा माँ बाप का नाम मिल सके ना? हाँ पंडित जी, ये जानकारी आपको मिल सकती है। ठीक है, पता कर लीजिए, उसकी कुंडली बन जाएगी। जी बस हम आपको भी बताते हैं। राजू उमा के साथ पर ताली दौड़कर दौड़ा दौड़ा गया, उमा भी पीछे पीछे। पुनीत बाबू। हेलो नैना, हमें कुछ जानकारी चाहिए थी। जानकारी? कैसन जानकारी पुनीत बाबू? आपका जन्म स्थान कहाँ है, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है? जी, हमारा जन्म तो लालगंज में ही हुआ है। और आपका जन्म का समय? हाँ, रात को 9:45 पर। अच्छा नैना, पिताजी का नाम तो मैं जानता हूँ आपका, माताजी का नाम क्या है? जी, स्वर्गीय श्यामा देवी। अच्छा ठीक है, हम आपको बाद में। मिल गई सल बबुआ। हाँ लिखिए। बतावा। जन्म स्थान लालगंज। लालगंज जन्म स्थान। जन्म समय रात्रि 9:45। जन्म समय 9:45 रात का। रात का? रात। जन्म तारीख 3 जनवरी। जन्म तिथि 3 जनवरी। जी पिताजी का नाम? मेरे? जी नहीं, कन्या के पिता का। ओह, श्री दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा जी जी। और माता जी का नाम? स्वर्गीय श्रीमती श्यामा देवी।
सर किया। ठीक है जज्बा, बात नहीं बहुत है। लालगंज 9:45 रात्रि। जजमान क्या हुआ पंडित जी, कुछ पता चला? गुंडली तो बड़ा उत्तम बा जजमान, पर आपका गन्ना क्या कह रहा है वो कहिए। 36 में से 33 गुण मिलता है जजमान वा। हाँ बस एक अर्जन वा। आशीर्वाद दीजिए मैया, आशीर्वाद बनाइए अपनी बच्ची पर। अपनी माँ को तो हम बचपन में ही खो दिए, उनका प्यार महसूस नहीं कर पाए, उनका फर्ज नहीं समझ पाए, कुछ नहीं जान पाए कि माँ क्या होती है। अब आप ही को हमारा सहारा बनना है मैया, हमारा साथ देना है, ताकि हम अपने खानदान की इज्जत, अकुल का मान मर्यादा का ख्याल रखें। आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, बेटी, बहन और अच्छी माँ बन सके, दोनों परिवार के माथा गर्व से ऊंचा कर सके। हम कभी भी कोनो ऐसा गलत काम नहीं करें जिसे हमारे बाबूजी का माथा शर्म से झुक जाए। माँ आशीर्वाद दीजिए, माँ अपनी बेटी का सहारा बनिए, माँ आशीर्वाद दीजिए। आपकी आंखों में आंसू, आप अपनी आंखों से आंसू पहुंच रही थी। जी क्या सोच रही हैं? हम सोच रहे हैं बबूनी जी की जैसे तैसे करके बात 3 महीने के लिए टल गई है, मगर 3 महीने बाद कहाँ होगा? लगता है ये सोच सोच कर ही हमें तड़का का बीमारी हो जाएगा। अरे भौजी हम हैं ना, आप काहे चिंता कर रही हैं? बबूनी जी 3 महीना के बाद हम कौन सा बहाना बनाएंगे? आपने देखा नहीं उस चुड़ैल के नाम पर ऐसा नाक बबूला हो गए थे पुनीत, सबके सामने ये भी कह दिए हैं कि वो शगुन भगुन नहीं मानते। हरी भौजी कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। अरे कल का सोच करके आज अपना काहे खराब कर रही हैं? आराम से रहिए, जैसे 3 महीना टल जाएगा उसी तरह 3 साल 30 साल में बदल जाएगा। हाँ हमने तो सब महारानी मैया पे छोड़ दिया है, अब जैसा वो करेंगी वही ठीक होगा। अरे भौजी इतना अधीर होने का कोनो जरूरत नहीं है, वो मलेछनिया को संभालने के लिए उसकी माँ है ना। अरे जब तक हम तिलंगी को ढील नहीं देंगे तो ऊंचा उड़ेगा कैसे? हाँ इसीलिए कहते हैं कि आप शांत रहिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बुझी? बड़की मालकिन आपसे कोनो बीना देवी मिलने आई हैं। बीना देवी जी भेज दीजिए उन्हें। ठीक है हम उनको यहीं लेकर आते हैं। का घर आइए। गोल लगते
गुड, रहने दो। आपसे बतियाने चले आए, बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, बैठो। धन्यवाद। अच्छा बताओ, कैसे आना हुआ? कौनो बड़ा काम नहीं है, बस एगो बात करनी है। का? उनको आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है ना? चलो, महारानी मैया की कृपा से तुम अपने पति को सही सलामत घर लिए जा रही हो। जी, बस माता की कृपा है और आप लोगों की दुआ है। हमने तो आशा ही छोड़ दी थी, बस उनकी लीला अपरंपार है, हमार सुहाग लौटा दिया। अरे तो चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अपने पति को सही सलामत घर लेके जा रही हो। अब उनकी देखभाल अच्छी तरह से करना। वैसे तुम अपने घर कब जा रही हो? लालगंज है ना घर तुम्हारा? जी जी, लालगंज। बस यहाँ बतियाने के बाद अस्पताल जाएंगे, फिर वहां से लालगंज चले जाएंगे। रदिया, जरा मेहमान खातिर नाश्ता पानी। जी बुआ जी। नहीं नहीं, उनकी कौनो जरूरत नहीं है। ठीक है तो रहने दो। अरे आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो थोड़ा सा चख लेते हैं, आपको नाराज थोड़े ही करेंगे हम। तू जा जा, जल्दी लेकर आना। अरे जाना, देख कर रही है। बहुत अच्छे लोग हैं आप। आई नहीं अभी तक, ला रही होगी ना, बना रही होगी। आ गई, ले आई। आप लोग ना ही लेंगे? चलो कौनो बात नहीं। इससे हाथ पूछिए। इससे? अरे ये तो बहुत साफ है, गंदा हो जाएगा। हम रख लेते हैं। हो गया, देख। अब हम जाएं? हाँ जाओ। जाएं? हाँ जाओ ना। क्या हुआ? आपसे एक को बात करनी थी। हेलो। प्रणाम माता जी, हम राज बोल रहे हैं। हाँ राज बाबू, कहिए। जी वो भैया जी, वो भैया जी। अरे क्या हुआ पुनीत को? हाँ राज बाबू बोलिए ना। जी वो अरे ये आप जी जी क्या कह रहे हैं, बताइए ना, कहा हुआ पुनीत को? वो ठीक तो है ना? जी भैया जी को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद काहे? दरअसल वो गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन? मैंने भैया जी ब्याह कर रहे हैं। ब्याह? किसके साथ? नैना जी से। राज बाबू ये आप कहाँ कह रहे हैं? नहीं नहीं माता जी, आपकी शौकत हम वही देख रहे हैं जो बता रहे हैं।
वही बता रहे हैं तो देख रहे हैं। राज बाबू, आप लोग तो प्रोग्राम के लिए गए थे ना, फिर ये ब्याह मंडप। माताजी, हम आपसे माफी मांगते हैं, आपसे विनती करते हैं, कैसे भी इस ब्याह को आके रोकिए माताजी। हेलो, पुनीत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जजमान, आपका वो दोस्त कहाँ गए? पंडित जी, हम आ गए। आइए आइए, गठबंधन कीजिए। हम शांति शांति पृथ्वी शांति शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। यजमान, आप दो जने खड़े हो जाइए और फेरे लीजिए। दुला जी, इस घर से हंसी खुशी गायब हो गया है, समझे नहीं मैं यार, करे तो क्या करे, दिमाग खराब हो गया है। चलिए देखिए, जो भोले शंकर चाहेंगे वही होगा। भोले नाथ जो चाहेंगे वह होगा, लेकिन क्या हुआ जी? अरे बात का है, कहाँ भोकारे भोकारे पार कर रो रहे हैं आप, बात तो बताइए। अरे कुछ बोलिएगा कि रोते रहिएगा। लुट गए। कैसे लुट गए? बर्बाद हो गए हम। कौन बर्बाद कर दिया आपको? कहाँ बोल रहे हैं आप, बात तो बताइए। अरे अरे आपने कुछ बोलिए ना जी। अरे भाभी बताओ हुआ क्या है? दूल्हे जी, पुनीत। कहाँ पुनीत, कहाँ पुनीत को क्या हो गया बोलिए? अरे बताइए ना क्या हुआ। पुनीत ब्याह करने जा रहा है। वो नैना के साथ।
अखबार आगे रहेगा तो मैं पीछे रहेगी। प्रणाम प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। जौन हम सुन रहे हैं वो सच है का राज बाबू? जी जी बाबूजी सच है। हम फेल हो गए बाबूजी। हमको ही समझ में नहीं आ रहा कि भैया जी की शादी हम कैसे रोकें, कि हमरा एक को बात नहीं सुन रहे हो। देखो काम कीजिए, विवाह थोड़ी देर रुकवाने का कोशिश करिए, हम दया और प्रबल को लेकर आते हैं। अरे बाबूजी हम कैसे रोकें, ये भैया जी तो फेरा उरा सब समेट दिए हैं। पुनीत से हमरा बात करवाइए अभी और तुरंत। जजमान आप कन्या के मन में सिंदूर भर दीजिए। अरे बहुत ही गजब हो गया, इतना सिंदूर भरने जा रहे हैं। बकवास बंद कीजिए, आप कौवा है का? जब बोलते तो कड़वे बोलते हैं। एकरा पहले कि वो लड़की के मांग में सिंदूर भरे, पुनीत से हमरा बात करवाइए अभी और अभी तुरंत। भैया जी बाबूजी का फोन है। बाबूजी से कहिए हम उनसे बाद में बात करें। पुनीत देखो हमरा बात सुनो, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। पुनीत रुक जाओ, पुनीत हमरा बात सुनो। पुनीत देखो ये गलत है। पुनीत जल्दी करिए, शोमोर टूटा जा रहा है, हम करिए जल्दी। मैंने पुनीत ये गलत हो रहा है। पुनीत पुनीत तुम अपना जिंदगी खराब कर रहे हो, खानदान का नाम बर्बाद कर रहे हो। पुनीत पुनीत रुक जाओ, हम करें रुक जाओ। पुनीत गंधद द्वाराम दुराम दर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामि होपो हवये श्रियम। आपका यह विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। भैया जी फोन। बाबूजी वो हम माफी चाहते हैं बाबूजी। दरअसल मजबूरी में हमें नैना से अभी शादी करनी पड़ी। व्यवस्था थी हमारी बाबूजी। हम जानते हैं बाबूजी कि हमने आपका और घर वालों का सभी का दिल दुखाया है, सबको चोट पहुंचाई है। हम घर आकर सभी से माफी मांग लेंगे बाबूजी, और हम आपको बताएंगे कि हमने किन हालातों में हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा। हम बाबूजी आपकी बहू को लेकर घर आ रहे हैं। आपने माता के मंदिर में 7 वचन 7 फेरे लिए हैं, तब आप माता जी का आशीर्वाद भी ले लीजिए जाके, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि वंश वृद्धि और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हुआ क्या बताइए ना, ऐसा का गजब कर दिया पुनीत ने? दीदी जी का हो गया? आप ऐसा चुप काहे खड़े हैं? कुछ तो कहिए, कुछ कहिए ना। पुनीत ने शादी कर लिया है। नैना को लेकर इस घर में आ रहा है।
जानते हैं आप बहुत परेशान हैं। बाबूजी भी आपसे अच्छा से बात नहीं की और सच बताएं ना तो हमको तो ये बात का डर लग रहा है कि आपके परिवार के लोग हमको बहू के रूप में स्वीकार करेंगे भी या नहीं करेंगे। नैना, अब आप हमारी पत्नी हैं और ये सच घर वालों को और समाज को स्वीकार करना ही होगा। विस्तार से कहा बताएं फूफा, समझ लो कि जहाँ फूफा जी लेटे हुए हैं ना वहीं पे हम लेटे हुए थे। हाँ। तब तक कोने से नैना नैना चिल्लाते हुए कोई आया तो हम उठे, हम पूछे के है भाई। अरे भाई कहाँ चिल्ला रहे हो, अरे किसी के घर में तुम घुसते जा रहे हो। तब तक उतने में वो हमको ढकेल दिया। दादा। तब तक कोने से नैना आ गई, हम देखे कि दोनों आपसे में एकदम पकड़ा पकड़ी करना शुरू कर दिया। अरे बाप, हमारा तो दिमागे घूम गया। हम बोले अरे क्या हो रहा है। तब नैना कुछ कुछ बोलने लगी, एकदम सतुआ पिसान लेकर के हमारे पीछे पड़ गई। और उसके बाद से जो वो हमको मारा है, जो मारा है हमको, वह मारते मारते तो हमको एकदम लुटा दिया है। और उसके बाद से नैना को लेकर के फरार हो गया है। एक बात बता देते हैं पुआ, तुम्हारे चलते हम बर्दाश्त कर गए हैं और नहीं तो ऋषिया भी किसी से कम नहीं है, कह देते हैं तुमको हम एकदम। झूठी बात है ये, गलत है ये। हमारी बेटी नैना ऐसा नहीं कर सकते और ना ऐसा पुनीत बाबू कर सकते हैं। अगर कोई गंगा जी में भी खड़ा होके बोले तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे उसे, नहीं मानेंगे। तो कैसे मानेंगे मास्टर जी? हमरा भतीजा कौनो वीडियो फोटो छूट करके रखता, आंखों की पुतलियां खोलिए मास्टर जी, आपकी बेटी कुल कांड करके भाग गई है। कितनी बार बोला हम नैना के खिलाफ ऐसी बात नहीं सुन सकते, ये झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रही है। ऐसा जिद्दी मर्दाना और ऐसा बेशरम लड़की हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। 3 महीने सबर नहीं कर सकी, जवानी का ऐसा जोश मारा कि शादी से पहले ही उके संग भाग गई। अपना तो मुंह काला किया ही, हमरे भी मुंह पर काली पोत गई लक्ष्मी। बिना बात, हम नैना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते बिना। ओहिरे दादा, देखिए तो बेटी का नाम आते ही शरीर में ताकत आ जाती है हम पर चिल्लाने के लिए। चुप, एकदम चुप हो जाओ। हम सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी के खिलाफ न सुन सकते हैं न बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है उसके चरित्र पर। हम जानते हैं वो ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे उसके बाबूजी का सर झुके या इस घर के ऊपर कोई उंगली उठाए। इसे झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। चिचियाइए मत, अभी तो हम ही बोल रहे हैं। जब बाहर के लोग बोलेंगे ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे आप। अपनी लाडली संस्कारी बेटी की गलती और बदचलनी पर पर्दा डालने के लिए हम पर चिल्ला रहे हैं आप? मास्टर जी आराम से बैठिए और सोचिए लोगों को क्या क्या कहते फिरेंगे आप। हमें पागल समझते हैं आप, समझते हैं हम गोरा गए हैं। आवाज थोड़ी नीची रख के बात कीजिए मास्टर जी, वरना जब हम चिल्लाएंगे ना तो चौक के कोने तक सुनाई देगा। आने तो आज उस कुल्टा को, उसे छठी का दूध याद ना दिला दिया तो हमरा नाम भी वीणा देवी नहीं। अरे बाप रे बाप, देखिए तो कितनी चोट लगी है, दर्द हो रहा है बिटवा। अरे बुआ, अरे बुआ छुओ मत, यहीं पे तो दर्द हो रहा है। अब तो भलाई का जमाने नहीं रहा है बुआ, ये बात हमको समझ में आ गया है। अरे समझेगी तो अब वो,
तेरे एक एक घाव का हिसाब लेंगे हम उससे। बाबूजी नैना दीदी आ गई। बाबूजी हाँ आ गई नैना। अरे बैठे कहाँ है, जाइए जाइए, आरती उतारिए, कुल का नाम ऊंचा करके आ रही है। आने दो कल मुही कुलटा को, आज नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं। अब वीना हमारी बच्ची से प्यार से पेश आना। दामाद हो गए, हमरे लिए बहुत गर्व की बात कि एक देवता हमरा दामाद है। गरीब मास्टर की बेटी का उद्धार करके हमको आपने अपना कर्जदार बना दिया है। ये कर्जा हम जिंदगी भर ना ही उतार पाएंगे, लेकिन आप दोनों शादी करने जा रहे हो ये ना बता के हमरा बहुत दिल दुखाया है आपने। क्या हुआ माँ कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हमें किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। सच कहूँ तो आप लोगों को ना बता पाने का दुख हमें भी है, और यहाँ आने के बाद जो कुछ यहाँ के हालात देखे तो कुछ ऐसा संयोग बना कि हमें यह फैसला लेना पड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अरे शादी ब्याह तो संजोग की बात होती, हमारे भाग में नहीं था अपनी बेटी का कन्यादान करना। एक खातिर वहां नहीं पहुंच पाए, हमको नहीं बुलाया किसी ने। अरे माता जी काहे शिकवा शिकायत कर रही हैं? अरे तर चलिए, बाहर किसी को पता चल गया तो कल मीडिया में भैया का ही फोटो छपेगा। चलिए भीतर चलिए, शांति से उधर बात करते हैं। हाँ, अंदर आइए। अब देखिए ना, हमरा तो भाग ही कोटा है। बेटी और दामाद पहली बार घरे आ रहे हैं और हमरे पास स्वागत के लिए कुछ नहीं है। इन सब की कोई जरूरत नहीं, बस आपका आशीर्वाद ही बहुत है। आइए आइए। पूरा भी डगरा पे के बैगन है, तो अब किन्नी डगर जाए भरोसा नहीं है। नैना, नैना, बेटी, बेटी खुश है, खुश रहे, खुश रहिए। एक
के बाप होने के नाते हम आपसे सवाल पूछने का हक रखते हैं, पर पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमको विश्वास है अपने नैना पे और आप पे कि आप दोनों कभी गलत नहीं करेंगे, और हम आपका ये विश्वास कभी टूटने भी नहीं देंगे बापू जी। हम जानते हैं बेटा, तभी तो आपने जो कदम उठाया वो समाज के लिए सही नहीं है, पर मैं दुखी नहीं हूँ। मेरी खुशी पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी बेटी बाबूजी, नैना अब हमारी धरोहर, हमारी जिम्मेदारी। आप नैना की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नैना को हम वो हर खुशी देंगे जिसकी कामना आपने की हो, और हम वचन देते हैं आपको कि नैना के चेहरे पर उदासी की एक झलक तक नहीं आने देंगे। हमें पूरा विश्वास है नैना का चुनाव सही है। भगवान आपकी हर तमन्ना पूरी। अच्छा बाबूजी, अब आज्ञा दीजिए, घर पर सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बाकी आप भी हमसे एक वादा कीजिए कि आप अपना ख्याल रखेंगे, खाना दवाई टाइम पर खाइएगा। दवाई खाना सब समय पे खाएंगे। सुन, तू ससुराल जा रही है ना, ये चिंता की पोटली अब यहीं छोड़ दे बेटा। सदा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। अरे हमरे दिल को कैसा कैसा लग रहा है कि आप बिना कुछ खाए पिए ही जा रहे हैं। खाना पीना तो बाद में होता रहेगा माँ, अगली बार आएंगे तो जरूर खा लेंगे। वो क्या है ना कि निकलना जरूरी है, नहीं तो देर हो जाएगी। जैसन आपकी मर्जी। अच्छा चल, चल। लड़की का असली भाग्य यही होता है मैं पीहर छोड़कर सासरे में जाना, वहीं रहना, वहीं बसना। अच्छे से जाओ और खुश रहो। हमको माफ करते जाना बेटी, हमने जो कुछ भी किया वो तो को दुख पहुंचाने के लिए या परेशान करने खातिर नहीं किया, तुम्हें अच्छा बनाने के लिए किया। वो कहे है ना कि सोना कुंदन तबे बनता है जब वो आग में तपता है, और मेहंदी का रंग तभी चढ़ता है जब वो सिलबट्टे पर पीसी जाती है। तो लड़की की जिंदगी भी ऐसी होती है बेटा। हम जानते हैं आप जो भी व्यवहार हमरा साथ किया या जो कुछ भी हमारे साथ की है वो सब हमरा भला के लिए की है। हाँ, हमको आपसे कौन शिकायत नहीं है। बाकी हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर जाने अनजाने में भी कबू हम आप लोग का दिल दुखाए होंगे आपको माफ कर दीजिए, हमरा माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत कर दीदी, तुम लोग काहे रो रहा है। देखो तुम लोग मत रो, तुम ही लोग तो हमारा हिम्मत हो, और तुम लोग को बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंप के जा रहे हैं। तुम ही लोग हिम्मत हार जाओगे तो जो जिम्मेदारी हम तुम लोग को दे के जा रहे हो कैसे निभाओगे। मेरा पीछे बाबूजी का ख्याल रखना तुम दोनों, उनके देखभाल में कोई कमी ना रहे। ठीक है नीला, आप फिक्र मत कीजिए दीदी, हम दोनों बाबूजी का बहुत ख्याल रखेंगे। हमको तुम दोनों पर पूरा विश्वास। भोला अपनी दीदिया के पास नहीं आओगे? अरे भोला जा जा, दीदिया बुला रही है।
अपना ख्याल रखना। जाते ही घर भी भरती जा बेटी, तीन बार उठा के पीछे फेंक दे। से तेरा ससुराल ही तेरा असली घर है। उसे अपने प्यार और अपने स्नेह से सींचते रहना। बेटी के कांधों पे दोनों कुलों की परंपरा, मर्यादा, प्रीत, रीत सारी चीजें होती है बेटा। सब जिम्मेदारी का ख्याल रखना पड़ता है। या यूं कह ले कि जब तक शरीर में जान है तब तक निभाना पड़ता है इस जिम्मेदारी को। खुश रहना बेटा। बेटी का ख्याल रखना। ऐसा तो नहीं कि सब लोग अभी तक हमसे नाराज हैं। आइए भैया जी। राजबाबू, आप अंदर जाकर सभी लोगों को हमारे आने की खबर दे दीजिए। हम? हाँ, आप। सुना नहीं आपने हमने आपसे क्या कहा? जो सुना ना, वो सुन करके दिमाग और कान दोनों बंद हो गया। अब आप अंदर जाइए और जाकर हमारे आने की खबर दे दीजिए। हाँ।
बाबू जी पुनीत भैया नैना जी को लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि आपको खबर करते हैं। आगे एक भी शब्द मत बोलना, ये सब समस्या का जड़ तुम हो। तुम मारिए और मारिए, आप लोगों को ही लग रहा है हमसे गलती हुई है, हमसे। हम पुनीत भैया को बहुत समझाए, वो नहीं माने तो हम क्या करें। दया, ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ, झूठ मूठ का तमाशा। जब अपना सिक्का एक खोटा निकला है तो राजबाबू क्या करेंगे? राजबाबू जाकर उससे कह दीजिए कि जिस तरह वो घर के बाहर आया है उसी तरह घर के अंदर चला है। उसको कोई लेने उन्हें नहीं जाएगा। जाइए जाइए, बता दीजिए। सब लोग सोए हैं, अभी रात को जगाएंगे तो गुस्सा ना हो जाएंगे। हमरी मानिए, कल सारी रसम माताजी कर लेंगी, अभी जितना हमको आता है वो हम कर देते हैं। बुलाइए नैना जी, नैना जी आइए। अरे आइए, रसम है बस, आइए आइए आराम से। भैया जी सब आपातकालीन स्थिति के इंतजाम है। भैया जी ये चावल, हो गया रसम, इतना अच्छा शादी जिंदगी में कभी देखे नहीं। क्या सीन बन रहा, भव्य एकदम। रुपया चमार लोहार जोन मिलेगा उसको दे देंगे। बस अब जितना रसम आता है हिम्मत यही हो सकता है। आइए ना, बाकी रसम सब कर लेंगे माता जी का।